अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ। हाउ टू प्राइस योर केक्स, या अपने केक्स को कितने पैसों में आपने बेचना है। अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊँगी, आपने उसको फुली गौर से सुनना है और आपने उस पर अमल भी करना है। वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि सारी बातें जो मैं आपको बताऊँगी ये मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ कि मैंने सुनी सुनाई बातें आपको बताई हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू प्राइस योर केक। ये चीज़ जो है स्टार्ट होगी जनाब, पहले जाएंगे आपके इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें आता है मैदा, चीनी, अंडे, मक्खन। ठीक है, उसके बाद आपका वनीला एसेंस प्लस बेकिंग पाउडर। अब आपने एक एक चीज़ की कॉस्ट निकालनी है। देखिए मैं क्लोज करके दिखाती हूँ, आपने इनकी कॉस्ट निकालनी है। जैसे आप देखो, अंडे जो है 25 रुपए का एक है, चीनी जो है पिसी हुई आप बाज़ार से लेते हो वो महंगी आती है, 200 रुपए किलो आती है। मैदा जो है वो भी मेरे यहाँ से 210 रुपए किलो है। मैं बल्क में मंगाती हूँ इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है। आपने देखना है कि आपकी रेसिपी में कितना मैदा जा रहा है। मिसाल के तौर पे 1 पाउंड के केक के लिए आपका जा रहा है 100 ग्राम मैदा, मैं मिसाल दे रही हूँ। ठीक है, तो 1200 रुपये का अगर हमारा होता है 1 kg मैदा, तो उसमें होते हैं 1000 ग्राम, तो आपको कितने का पड़ा? 20 रुपये का। ठीक है, आपने इन सारी चीज़ों की कॉस्ट निकाली। सपोज मक्खन आप अच्छा वाला ले रहे हो, हर चीज़ आप अच्छी क्वालिटी की ले रहे हो, ठीक है, आपका बनता है 200 रुपये टोटल। आप इन सारी चीज़ों का लगाओ, 20 रुपये इसका लगा लो, 20 इसका लगा लो, 50 इसका लगा लो, 50 इसका लगा लो, अब इनकी तो नहीं ना निकलती, 20-30 इनके लगा लें आप। ठीक है, मैं मिसाल दे रही हूँ आप 200। फिर आपने अवन में बेक किया है, अवन में किया है के पतीला में किया है, आपने अपना गैस प्लस इलेक्ट्रिसिटी, इसकी कॉस्ट भी निकालनी है कि आपने कितना इसके ऊपर स्पेंड हुआ है, आपका कितने यूनिट स्पेंड हो गए हैं, क्या कितना पतीले में गैस गई है। आप उसका मैं बहुत लेस करके बता रही हूँ, आपने 200 में ये भी ऐड कर देना है बिजली गैस का, मैं मामूली बता रही हूँ। देन आपने किस बॉक्स में पैकेज बॉक्स प्लस आपने कौन सा केक बोर्ड यूज़ किया। ठीक है, अच्छा जी, और इसके अलावा ये सिर्फ अभी स्पंज की बात हुई है, अब हम क्रीम की बात करते हैं। आपने क्रीम लगाई, कौन सी लगाई? बटर क्रीम, तो उसमें कौन सा आपने बटर यूज़ किया। ठीक है, आपने अगर विप क्रीम लगाई है तो उसमें आपने कौन सी विप क्रीम यूज़ की है। फंडन केक था तो उसमें आपका कितना फॉन्डेंट गया, अगर फॉन्डेंट केक है तो उस पर कितनी फॉन्डेंट लगी है। आपने उस तरह से एक एक चीज़ की कॉस्ट निकालनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बाज़ लोग क्रीम केक के ऊपर ना, जैसे विप क्रीम के ऊपर बहुत ज़्यादा फॉन्डेंट टॉपर्स लगवाते हैं, आपने टॉपर्स को भी ऐड करना। ठीक है, उसके बाद आपने हैप्पी बर्थडे का अगर सपोज कोई टॉपर लगाया, ठीक है ना, जो हम अक्सर लगाते हैं स्टील के होते हैं, मेटालिक होते हैं, उसकी भी आपने कॉस्ट ऐड करनी है। 200 का है, 100 का है, 50 का है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से बॉक्स, उनके प्राइसेस भी फ़र्क होते हैं। ये सारी हमने एक बात कर ली, ये सिर्फ 1 पाउंड केक की बात हो रही है। अब अगर हमने हमारा टोटल कॉस्ट इनको डाल के बनती है 700, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, 1400 बन जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे 2, आपने 2 इसको इस तरह से रखा, 60% आपका टाइम एंड एफर्ट, समझ आ गई, 40% आपका प्रॉफिट है। कि हम कहें जी प्रॉफिट के बगैर हम काम करें, ऐसा तो नहीं होगा। आपने कितनी मेहनत से काम किया है, किस तरह से काम किया है, ये चीज़ आपने देखनी है।
तो आपका पर पाउंड प्राइस क्या आ जाएगा? 1400। ये कस्टमाइज केक का होता है, ठीक है। अगर आपकी सपोज आ रही है कॉस्ट 600, तो आपकी पर पाउंड क्या आ जाएगा? 1200। अब आप देखो आपने कोको पाउडर कौन सा यूज़ किया। कोको पाउडर के भी दो में आ रहे हैं, 350 वाला केजी है और 5500 वाला भी पर केजी है। आप इनमें से कौन सा यूज़ कर रहे हैं? आपका कोको पाउडर 2000 रुपये पर केजी है, 3000 पर केजी है, या के 4000 पर केजी है? आपने इस चीज़ को देखना है, आपकी कॉस्ट निकल आएगी। अब फिर आप ये क्वेश्चन करोगे कि नादिया हमें आप ये बताइए कि अब मुझे ऑर्डर आया है, मुझे किसी ने पूछा है कि भाई इस केक ये बनाना है, इस केक के क्या प्राइस होंगे, तो मैं पहले कॉस्ट निकालने बैठूंगी? ऑब्वियसली नहीं, इतना टाइम नहीं होता ना। क्लाइंट्स के पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो तो फ़ौरन से कहीं और चले जाएंगे। आपने एक रफ आइडिया बना लेना है, अगर तो आप बिगनर हो, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। इफ़ यू आर अ बिगनर, आपने स्टार्ट लेना है 1000 से, 1000 पर LB या पर पाउंड, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको मिस कर गई हूँ कि 1 LB, ठीक है, या पाउंड, एक पाउंड कितने ग्राम के बराबर होता है? वो होता है जनाब मुख्तलिफ पैमाने हैं, लेकिन वो स्टार्ट होता है 162, यानी कि 462, 490 या 80 लगा लेते हैं, चलो इतने ग्राम इसका वेट होता है। अगर आप कहो कि एक पाउंड कितने ग्राम में होता है, तो वो 460 या 480 ग्राम होता है, ठीक है, क्योंकि अंडों का भी वज़न वेरी कर रहा होता है, क्योंकि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स और हैं, दूसरे स्केल्स के स्टैंडर्ड्स और होते हैं। लेकिन आपने ध्यान में रखना है 450 से 480 ग्राम या 90 ग्राम तक इसका वेट होता है एग्जैक्ट। जब हम छोटे थे, हम बेकरी पे जब हमारे पेरेंट्स ऑर्डर देते थे, तो वो क्या कहते थे? जी जी, केक पे बेबी का नेम लिख दो, ठीक है, पे नेम, और जी इस तरह का डिज़ाइन बना दो, मिकी माउस बना दो, डोनाल्ड डक बना दो, जो दिल करे वो बना, ठीक है, वो कस्टमाइज हो गया। हम बड़े खुश होते थे जी, क्रीम से हमारा नाम लिखा गया उसके ऊपर, ये वो। अब हमारा काम कस्टमाइज का ये है कि हमारा फ़र्क है ना, हम फोंडेंट से लिखते हैं, फॉन्ट अलग होते हैं, गूगल से उठा के तस्वीरें भेज देते हैं, इंस्टा से भेज देते हैं, कितना मुश्किल हो जाता है हमें कि हमारे पास वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट साइज़ बताती हूँ। कस्टमाइज केक्स में पैकेजिंग बहुत मायने रखती है। अब ये देखो मेरे पास है, ये पुराना डब्बा है बिकॉज मैं इसको यूज़ नहीं करती। मेरे पास दो तरह के डब्बे हैं, एक है ये वाला, ठीक है, ये देखो आप, एक ये डब्बा है, इसका कलर देख लो, क्वालिटी देख लो, अच्छा इसके ऊपर विंडो भी नहीं है, ठीक हो गया। ये देखिए, अब ये वाला बॉक्स देखिए जो मैं यूज़ करती हूँ, इसके प्राइस मुझे बल्क में मैं मंगवाती हूँ मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन चले हम मान लेते हैं ये 150 का है, ये 100 का है, हम एक अंदाज़ा मैं बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं इससे एक्सपेंसिव हो सकता है, सस्ता नहीं होगा। अब देखो इसमें विंडो है, और इसका देखो अंदर से कितनी प्यारी क्वालिटी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, क्वालिटी चेक करो आप इसकी, हर चीज़ बेहतरीन, ये भी बहुत अच्छा है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो आपको पता होता है कि ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये अफोर्ड नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, और आप चाह रहे होते हो कि भाई हम अपने क्लाइंट को हाथ से ना जाने दें, तो चलो आप इसमें डाल के दे दो। शुरू में स्टार्टिंग में आपके पास इतने पैसे नहीं हैं इतना इन्वेस्ट करने के लिए, आप हल्का डब्बा यूज़ कर लो, लेकिन चीज़ अच्छी यूज़ करनी है। अब जब आप ये वाला डब्बा लगाओगे तो ऑब्वियसली फिर आपको प्रेजेंटेबल भी होगा। मैं अपने केक्स की तस्वीरें दिखाती हूँ, अक्सर देखी होंगी मैं इसी तरह के बॉक्स यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आपने कौन से बॉक्सेस किस केक बोर्ड के लिए यूज़ करना है, ठीक है। ओके जनाब, ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, उसका जो मज़ीद है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। चॉकलेट भी आपने देखनी है कि आप 2500 रुपये के जी वाली यूज़ कर रहे हो, 1500 रुपये के जी वाली, के 3500 वाली के जी, उस हिसाब से आप उसकी कॉस्ट ऐड करोगे, ठीक हो गया। फिर अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद गाइड करती हूँ, ज़रूर देखिएगा, साथ ही इसकी अपलोड होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।